हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चेरी टोमेटो पास्ता के लिए यहाँ पर मैंने 30 के करीब चेरी टोमेटोज, अगर आप वेट की बात करें तो 200 ग्राम के करीब, 180 से 200 ग्राम के करीब चेरी टोमेटोज होंगे, इनको हाफ ऑफ कर लिया है। ये एक्चुअली होम ग्रोन ही है चेरी टोमेटोज, तो जितने थे अभी रेड उनको मैंने निकाल लिया था। यहाँ पर मेरे पास स्पगेटी है जो कि हमने बॉईल कर ली है ऑलरेडी, और ये नॉर्मल स्पगेटी नहीं है, ये रेड लेंटिल यानी कि मसूर दाल और चिकपी और दुरम वीट से बनती है, तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट हमारे पास स्पगेटी है। 250 ग्राम स्पगेटी हमने बॉईल कर ली है यहाँ पर और छान ली है। बेजिल लीव्स हैं 14-15 के करीब, जिनको बारीक बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और उसके नीचे 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1 पूरी गांठ लहसुन की जिसे हमें रफली चॉप किया है, क्योंकि लहसुन मुंह में आएगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। अगर आप वाइन लेते हैं तो वाइट वाइन यूज़ कीजिए 1/2 कप, अगर आप वाइन नहीं लेते तो हमारी तरह से आप भी यहाँ पर ये मैंने स्टॉक लिया है 1/2 कप, वो यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मैंने हीट कर लिया है, इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी गार्लिक और इसको बस थोड़ा सा ही सौते करना है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा हम साथ के साथ इसमें चेरी टोमेटोज डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज करना लगा गार्लिक और यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है, क्योंकि मैंने लो मीडियम सेक पर रखा हुआ है, तेज सेक पर रखते शायद इसी टाइम हो जाता, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने चेरी टोमेटोज। अब ये बड़े नरम सी चीज़ होती है, इनको बहुत प्यार प्यार से हिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है वो बिल्कुल ही ब्रेक होके इनका तो कचूमर बन जाएगा। तो इसको हल्का हल्का मैंने हिलाना है बीच बीच में और इसी लो मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो तब हम आगे बाकी का सामान डालेंगे इसमें। 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तुलसी यानी बेजिल लीव्स। सिर्फ मिक्स करने तक इसको ऐसे पकाएंगे और ओरिगेनो चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, बस हम ये एक एक करके इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि इन सबको मिक्स होने का और पकने का ज़रा सा मौका मिल जाए कुछ सेकंड्स का, और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अपना स्टॉक। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, नमक हमने स्पगेटी बॉईल करते वक्त भी डाला था इसलिए हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे। नमक को पकने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे क्योंकि वो पानी में जो स्टॉक है उसमें हो जाएगा मिक्स, तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें स्टॉक और अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक सॉस को थिक होने देंगे। ये सॉस थिक हो जाएगी तो उसके बाद हम उसमें स्पगेटी डालेंगे, मिक्स करेंगे और बस बंद कर देंगे। तो अब इसके सॉस के थिक होने की वेट करते हैं। सॉस देखिए थिक हो गई, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये स्पगेटी। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। पास्ता मिक्स करते करते इसकी सॉस भी सूख गई, तो मैं अब आपको ये प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी गार्लिक चेरी टोमेटो स्पगेटी रेडी है, लेट्स बिगिन। बहुत टेस्टी लग रही है और है भी, तो हम तो भाई खाने जा रहे हैं, आप भी फटाफट से इसको बनाइए खाइए और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा बताइए। चेरी टोमेटोज मेरे ज़रूर घर के उगे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं ना, तो पर बनाइए ज़रूर इसे क्योंकि ये बहुत ही यम लगता है। और हमें फिर बताइए आप अपने कॉमेंट्स के साथ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।